जी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिससे हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं उनको कहीं और जाके सर्च नहीं करना पड़े कि केदारनाथ अगर वो जाना चाहते हैं तो किस तरीके से वो केदारनाथ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं भोलेनाथ का नाम, तो सब एक साथ बोलेंगे जय भोलेनाथ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम भी केदारनाथ जाए तो आपके मन में 5 सवाल तो आ रही होगा, 5 मतलब बहुत आ रहे होंगे वैसे तो, लेकिन हम सिर्फ 5 सवालों की ही बात करेंगे। उसमें से पहला है केदारनाथ कैसे जाए, दूसरा कब जाए, तीसरा क्या साथ में लेकर जाए, चौथा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की हमको वहाँ पे ज़रूरत होगी, और उसके अलावा पांचवा हम कुछ भी सोच लेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ जो भी डिटेल्स है, और ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है। तो जी पहला सवाल है कि हम कैसे केदारनाथ जाएं। तो केदारनाथ जाने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास 3 ऑप्शन है, बस, ट्रेन, फ्लाइट। अगर फ्लाइट से जाते हो तो देहरादून जाना पड़ेगा, फिर देहरादून से आपको बस पकड़नी पड़ेगी और बस पकड़ के आप पहुंचेंगे सोनप्रयाग। फिर सोनप्रयाग से आपको वहां की लोकल टैक्सी मिल जाएगी, उससे आप गौरीकुंड पहुंचेंगे, और उसके बाद में आपको करना होगा 16 किलोमीटर का ट्रैक और आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ। और अगर आपको ट्रैकिंग नहीं करनी है तो वहां पे आपको पिट्ठू भी मिल जाएंगे और उससे आप केदारनाथ इजी वे में पहुंच सकते हो। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कहाँ रुके, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल भी मिल जाते हैं, उसके अलावा वहाँ पे छोटे होम स्टे भी बने हुए हैं काफ़ी, जहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं और जो पॉकेट फ्रेंडली भी है एक तरीके से, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 जो कि बहुत ज़रूरी है, कि जो हमें सामान है, ज़रूरी सामान मतलब हम क्या क्या ले, क्योंकि आपको वहाँ पे 16 किलोमीटर का अगर ट्रैक करना है तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा होगा तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे और उसके कारण आपको काफ़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहला हमारे पास है मेडिकल किट, उसके अलावा रेनकोट, शूज़ जो कि बारिश के टाइम पे आपको थोड़ा, तो मेडिकल किट के अंदर जो कंपलसरी मेडिसन्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, पैरासीटामॉल, डोमपेराडॉन, ORS, ग्लूकोज बिस्किट, पेन रिलीफ बाम, वॉमिटिंग के लिए अगर आपको इशू है वॉमिटिंग का। अच्छा, वहाँ का जो वेदर है वो आपको मिलने वाला है थोड़ा ठंडा अगर आप जा रहे हो मई जून के अंदर, और वहाँ उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करवाओगे तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाओगे तो उसमें आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वहां पे जा रहे हो तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहीं से करवा लें। और तो यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको UK की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो आपको शो कर रही है, इस पर आप जाकर इजी वे में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्योंकि ज़रूरी है। उसके अलावा अभी जो अपडेट आई है उसके अंदर RT-PCR की रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है, और जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको दोनों डोज का एक रेफरेंस नंबर होगा सर्टिफिकेट के अंदर, वो वहाँ पे फिल करना होगा। बाकी तो जी मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो ठीक था ना, इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, लेकिन क्या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और अगर मिल गई है ना तो इसको शेयर कर देना, क्या पता कोई और भी जाना चाहता हो आप ही की तरह केदारनाथ।